नवागत कलेक्टर कर्मवीर सिंह ने जिले का कार्यभार संभालने के तीसरे दिन पत्रकारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक चुनाव कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए अमला सतत प्रयास कर रहा है। पत्रकारों से भी अपेक्षा है कि वे भी अपने आसपास आचार संहिता उल्लंघन जैसी स्थिति होने पर प्रशासन से संपर्क करें। अफवाहों पर भी रोक के लिए जिला अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। कोई गलत जानकारी प्रसारित न हो, इसके लिए मीडिया के बीच सामंजस्य हमेशा रखेंगे। जिले में करीब 100 सेक्टर अधिकारी 18 चौकियों पर निगरानी रख रहे हैं। चेकिंग की वीडियोग्राफी भी हो रही है। 21 से 30 तक कलेक्टर परिसर में ही नामांकन प्रक्रिया होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। चुनाव के लिए किस प्रकार की तैयारी चल रही है? देखिए, अभी मैंने रिसेंटली कलेक्टर खरगोन के रूप में पदभार ग्रहण किया है और मेरी अभी प्रथम प्राथमिकता शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्षता के साथ में और पारदर्शिता के साथ में इलेक्शन कराना है। जो भी विधानसभा इलेक्शन हमारा होने जा रहा है, तो इसके लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। जितने भी माननीय इलेक्शन कमीशन के जो दिशा निर्देश हैं, उन सभी दिशा निर्देशों का हम लोग पालन कर रहे हैं। आप सभी को विदित है कि आचार संहिता प्रदेश में और जिले में लागू है, उसका कंप्लायंस की एक्सरसाइज जो है हम लोग कर रहे हैं। जितने भी दिशा निर्देश हैं, उन सभी का बारीकी से रिव्यू करके हम लोग उसको अमलीजामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी नियर फ्यूचर में बड़े त्यौहार भी आने वाले हैं और अभी नव दुर्गा जी का त्यौहार भी चल रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से समस्त खरगोन वासियों से अपील भी है कि आप त्यौहार मनाएं, लेकिन आचार संहिता का पालन जरूर करें, शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाएं, प्रेम और सद्भाव के साथ में त्यौहार मनाएं और आचार संहिता का पालन करते हुए त्यौहार मनाएं। तो हम सभी लोग जो हैं एक त्यौहार भी मना पाएंगे और इलेक्शन भी हम शांतिपूर्ण और निष्पक्षता के साथ में करवा पाएंगे। सर, जैसे आपने पहली बैठक ली, किस प्रकार के निर्देश दिए निर्वाचन को देख के 6 विधानसभा क्षेत्र? कल ही मैंने जो है सभी विभागीय अधिकारियों की और जो इलेक्शन में लगे हुए अधिकारी हैं उन सभी की बैठक ली थी। अभी तक की जो तैयारियां थी उसका जायजा भी लिया है। फील्ड में विजिट भी मैंने की है। स्ट्रांग रूम और जो काउंटिंग सेंटर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, कलेक्शन सेंटर्स हैं, उन सभी का भी मैंने अवलोकन किया है। कुछ क्रिटिकल मतदान केंद्रों का भी कल मैंने रूरल एरिया में भ्रमण किया था। महाराष्ट्र बॉर्डर तक जो हमारा क्षेत्र लगता है वहाँ का भी भ्रमण मैंने किया था। रात्रि में SP साहब के साथ में नगर की शांति व्यवस्था के लिए भी भ्रमण किया था। सभी स्तरों पर अभी तैयारियाँ ठीक चल रही हैं, ऑन द ट्रैक हैं, ट्रैक ठीक है उसको, और जैसे जैसे हमारे इलेक्शन की डेट्स पास में आती जाएगी और हम लोग उसको फाइन ट्यून करके और जो इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए हम लोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी इलेक्शन संपादित करेंगे। पहले दिन सर 6 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया, बैठक में नहीं उपस्थित हुए थे। उनको जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, जो भी हुआ हमने नोटिस दिए हैं, वो अपना उनका जवाब देंगे, उसके हिसाब से आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।